नमस्कार। जिन अभिनेताओं व अभिनेत्रियों को आपके बच्चे अपना आइकन व रोल मॉडल मानते हैं, दरअसल वही अभिनेता व अभिनेत्री आपके बच्चे के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। दरअसल हर एक माता पिता का सपना होता है कि उनके बच्चे बुढ़ापे में उनके जीवन का सहारा बने। यदि आपके बच्चे इसी तरह अभिनेता व अभिनेत्रियों को अपना रोल मॉडल मानते रहे तो यकीन मानिएगा, आपके साथ साथ आपके बच्चे का भी जीवन अंधकार में है, क्योंकि आपके बच्चों को जो संस्कार दिए जा रहे हैं, आपके बच्चे को जो पाठ पढ़ाया जा रहा है, वो आज की युवा पीढ़ी के लिए बेहद खतरनाक है। आपके बच्चे के रोल मॉडल दरअसल किस तरह का जीवन जीते हैं, एक बार उस पर नजर डालते हैं। बॉलीवुड फिल्मों ने बिगाड़ा देश का माहौल, युवा पीढ़ी को किया पथ भ्रष्ट। बॉलीवुड फिल्में दे रही हैं क्राइम को बढ़ावा, क्या बना रही हैं युवाओं को अपराधी? क्या बॉलीवुड फिल्में वेब सीरीज से बिगड़ रहा है समाज का ढांचा? क्यों महापुरुषों की बजाय बॉलीवुड के सितारे युवाओं को भय? सर, आजकल की जो ये बॉलीवुड की फिल्म है और वेब सीरीज जो बन रही हैं इतनी गंदी, इसका युवाओं पे क्या प्रभाव पड़ रहा है? युवाओं पर ये गंदी फिल्म और ये बैकसीट का जो अपने समाज के हिसाब से देखने जाए तो अश्लीलता फैलाना है, नंगा अनाज दिखा रहे लोगों को, जिससे प्रभावित होकर लोग गलत रास्ते पर चल रहे, जैसे चोरी चकारी लूट ये सब आदि व्यसन पर चढ़ रहे लोग, तो इनको अभी बंद करवाना चाहिए। सरकार से मेरी यही गुजारिश है कि इनको जल्द से जल्द बंद करवाए जी। और हमारा जो भारत देश सांस्कृतिक देश है, ऋषि मुनियों का देश रहा है, तो वो सभ्यता आज के तारीख में कहीं ना कहीं ख़त्म होती जा रही है, इस पर थोड़े अपने विचार बताइए। जैसे ये लोग ऐसे ही नंगा नाच दिखाते रहेंगे तो फिर सभ्यता कटती ही जाएगी। जैसे लोगों को फिल्म से ज़्यादा सत्संग करने चाहिए, अच्छे काम करने चाहिए, वो तो लोग कर नहीं रहे, और फिल्म में नशा सिगरेट चोरी चकारी ये लोग ऐसा ही करते रहेंगे तो क्या पड़ेगा फिर देश? पहले के समाज में हमारे पैसा देकर वेश्याओं को नचाया जाता था, आज का समाज इतना बेशर्म हो गया है कि रोड पे ही शादियों में बहू बेटियां नाच रही हैं, बाप के साथ बेटी नाच रही हैं, और वो लोग बड़े खुश होते हैं कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन ये समाज में कहीं ना कहीं एक बुराई की तरफ हमें ले जाता है। दूसरी तरफ देखा जाए तो बॉलीवुड हैं, वो इतनी नशे का प्रचार करते हैं, छोटे छोटे कपड़े पहनकर स्क्रीन पे आते हैं और पूरा परिवार मिलके ऐसी पिक्चरों को ऐसे सीरियल्स को देखता है, तो कहाँ से फिर परिवार में संस्कार उपजेंगे, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? ये तो सही है ना, जैसा देखोगे वैसा ही तो पाओगे। तो अभी जो नाच गाने चल रहे हैं, इसको देख के लोग आगे आने वाले पीढ़ी भी ऐसा ही करेंगे, जैसा बताओगे वैसा करेंगे, जैसा बोओगे वैसा पाओगे, तो ऐसा ही चलता रहेगा। जब तक अपने अंदर बदलाव नहीं लाएंगे, सत्संग नहीं सुनेंगे, कोई धार्मिक प्रचार नहीं करेंगे, तो वैसा ही चलता रहेगा। पहले तो टीवी सीरियल्स के बदले धार्मिक सीरियल्स भी आते थे, कृष्णा का रामायण आती थी, और आज देखे जो मेन चैनल है उन पे सारी फिल्म ही आती हैं और गंदी गंदे गाने आते हैं, और वो सब तो अब सीरियल ख़त्म कर दिए हैं, तो क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? देखो, ये अभी ये मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि ये जो गंदी गंदी फिल्में आती है उनको जल्द से जल्द बंद करवाए और समाज को एक नई दिशा दे जिससे समाज सुधरे। समाज किस से सुधरेगा अगर ये फिल्म बंद हो जाएंगी, तो उनकी जगह पर हम क्या दिखाएंगे लोगों को? सत्संग सुनाने चाहिए, समाज को सही कार्य करने चाहिए, धर्म भंडारे करने चाहिए। OTT प्लेटफॉर्म और बॉलीवुड मूवीज़ का युवा पर क्या प्रभाव पड़ता है? सर, जो OTT प्लेटफॉर्म और बॉलीवुड मूवीज़ है उसका हमारे युवाओं पर बहुत ही गलत असर पड़ रहा है, और उसका कारण और उसमें जो हमारे युवाओं का ये बॉलीवुड मूवीज़ और OTT प्लेटफॉर्म पथ भ्रष्ट करने का काम कर रहे हैं, क्योंकि उसके अंदर जो अभद्र दृश्य दिखाए जा रहे हैं वो हमारे सभ्य समाज के लिए शोभनीय नहीं है। हमारा देश ऋषि मुनियों का देश है, ऋषि मुनियों और वेदों की जगह हमारे कोई अभद्र दृश्य दिखाए जा रहे हैं जिससे हमारे जो युवाओं का पथ भ्रष्ट करने का काम किया जा रहा है, ये हमारे सभ्य समाज के लिए हानिकारक है। थैंक यू सर। सर, आज जो बॉलीवुड की ये फिल्म बन रही हैं जो समाज को एक गलत मैसेज दे रही हैं, और जो वेब सीरीज़ गंदी गंदी बन रही हैं, तो इससे युवाओं पर क्या प्रभाव पड़ेगा? सर जी, सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो बॉलीवुड है ना, हमारे देश को एक तरीके से खोखला कर रहा है। हमारे आने वाली जो पीढ़ी है ना,
वो उससे इतनी प्रभावित हो रही है कि उसका कुछ भी आंसर नहीं है उस चीज़ का, क्योंकि आपने देखा होगा कि हमारा देश ऋषि मुनियों की संपत्ति रहा है हमेशा से, और महापुरुषों का इसमें आवरण हुआ है। अब आजकल वो महापुरुष कहाँ चले गए, वो क्यों पैदा नहीं हो रहे हैं? इसकी मूल जड़ यही है कि बॉलीवुड और वेब सीरीज, आजकल जो नबे बच्चे हैं, मतलब युवा पीढ़ी है, वो कुछ करना चाहते हैं या किसी के बारे में कुछ खोज करें या किसी संप्रदाय से जाने जाएं, तो वो उस चीज़ को छोड़ के बॉलीवुड और इस नंगे नाच के पीछे भाग रहे हैं। ये सबसे मूल कारण यही है। और दूसरी चीज़ कि छोटी छोटी चीज बच्चे हैं, आजकल उनको मोबाइल दे दिया जाता है और वो अपने वेब सीरीज देखेंगे, कभी कुछ आ गया यूट्यूब पे, तो उससे भी एक गलत मैसेज जा रहा है, जिससे कि ना तो शिक्षा में हमारा देश आगे बढ़ रहा है अभी, और ज़्यादा से ज़्यादा नास्तिकता की ओर बढ़ता जा रहा है। और वहीं दूसरी तरफ हम देखें ना, तो एक संत का मैंने इंटरव्यू सुना था टी वी पे, सत्संग जिसको बोलते हैं, वो संत रामपाल जी महाराज करके थे, तो उन्होंने क्या है, उनकी हिसाब से मैंने उनके जो वचन सुने उससे एक ऐसी प्रेरणा मिली मुझे भी कि मैं भी उससे प्रभावित हुआ, जहाँ तक है वहाँ तक। कि उसमें क्या था कि उन्होंने बताया कि जो हमारे पिछले जो हम चीज़ें भूलते जा रहे हैं, उन सब चीज़ों को हमको दोबारा से रिपीटेशन करना है, तब हम उसी स्थिति में पहुँचेंगे जिस स्थिति में हमारा देश पहले से जाना जाता है, सर्वश्रेष्ठ की श्रेणी में आता था। और सर, अगर इन सब चीज़ों को रोका जाए, और कैसे रोक सकते हैं, मतलब वेब सीरीज और गलत पिक्चरों को हम समाज में से कैसे कम कर सकते हैं, और अगर कम करेंगे तो इसके बदले में हम क्या दिखाएंगे लोगों को, इसके बारे में विचार? मैंने देखा संत रामपाल जी महाराज का जो सत्संग टीवी पे चल रहा था, उसके पीछे एक छोटा सा इंटरव्यू आया एक व्यक्ति का, उसने बताया कि वो किस स्थिति में था पहले और फिर दोबारा से उसकी स्थिति क्या हुई। तो मेरे को बहुत अचंभा सा हुआ, मैंने कि इतने प्रभाव से चेंजिंग आ रही है व्यक्तियों के अंदर। तो उन्होंने क्या देखा कि उन्होंने बताया कि सबसे पहले वो व्यसन करते थे, दारू पीते थे, अंडा मुर्गा मांस ये सब व्यसन करते थे, फिर उनके बाद में उन्होंने आध्यात्मिक विचार से प्रति जागृति की, उन्होंने सत्संग सुना संत रामपाल जी महाराज का, फिर उनके अंदर ऐसी मतलब परिवर्तन आया कि आज वो ऐसी स्थिति में थे जो बता रहे थे, रो रो के बता रहे थे, तो मेरे को भी ट्रस्ट हुआ कि भाई कुछ ना कुछ तो है इस चीज़ में। फिर मैंने भी थोड़ा बहुत उससे इंस्पायर होने के लिए मैंने भी थोड़ा बहुत सुना, तो वास्तव में विचार इतने अग्रेसिव थे कि बहुत अंदर तक बैठ गए। और उन चीज़ों से हमारा क्या है, पिछला जो संस्कृति हम भूलते जा रहे हैं ना, वो धीरे धीरे हमारी जागृत होती है। हम जैसे कि आप मुझे भी देख सकते हो, मैं पहले क्या था कि थोड़े बहुत व्यसन वगैरह में मेरा ध्यान भटकता था नवी पीढ़ी के हिसाब से, लेकिन अब उन चीज़ों से देखने से भी नफरत हो जाती है कि नहीं नहीं, ये चीज़ हमारे शास्त्र या हमारा धर्म इनको अलाउ नहीं करता, इन चीज़ों से हम बहुत कोसों दूर रहेंगे और आने वाली हमारी जो पीढ़ी है, हमारे बच्चे हैं, उनको भी बहुत दूर रखेंगे। तो इससे भी एक साफ सुधर समाज का सुधार हो रहा है, और एकदम हमको अच्छी तरीके से हमें लगता है कि ऐसे अरे ऐसे संत अपने यहाँ पे प्रवचन करें और पूरे समाज में उन चीज़ों को दिया जाए, इंस्पायर पूरा वर्ल्ड हो, तो उससे एक अलग ही तरीके का अपना भारत तो भारत पूरा विश्व अपने ऊँचे लेवल पर पहुँच सकता है। तो हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आप अगर अपने बच्चे के साथ साथ अपना जीवन भी सुखमय बनाना चाहते हैं, तो बॉलीवुड के साथ साथ हर एक ऐसे कार्यक्रम से, हर एक उस ऐसे प्लेटफॉर्म से दूर हो जाइएगा जो आपके बच्चे के जीवन को तहस नहस कर सकते हैं। हमारा मानना है कि आज की युवा पीढ़ी को आध्यात्मिकता में रुचि रखनी चाहिए, ताकि आपका जीवन एक सुखमय और सही प्रगति कर सके, क्योंकि आज के माता पिता अपने बच्चों को बेहद सुरक्षित और खुशहाल देखना चाहते हैं, लेकिन हमारा मानना है कि खुशहाल जीवन केवल आध्यात्मिकता से ही प्राप्त हो सकता है। धन्यवाद।